26 जनवरी के दिन दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी ने दुख जताया है। मंगलवार को दिल्ली में हुई हिंसा के मद्देनजर बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता की। मंगलवार को जो सबूत जनता के सामने आए वो इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए सारी चीजें सोच समझ कर रची थी, ऐसा कहना है राघव चड्ढा का। भाजपा ने इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा। इसमें एक तस्वीर दीप सिद्धू की भी उन्होंने दिखाई। तस्वीर में भाजपा सांसद सनी देओल और उनके साथ दीप सिद्धू हैं, जिसने सारी मंगलवार को साजिश रची। ये दीप सिद्धू उनके स्लीपर सेल में काम करने वाला व्यक्ति है, ऐसा भी कहा राघव चड्ढा ने। जो इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था वो भारतीय जनता पार्टी का प्लांट है। यही नहीं, ये देश के गृहमंत्री, हिंदुस्तान के सबसे दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति अमित शाह जी के साथ इस व्यक्ति की तस्वीर, बहुत ही प्रेम पूर्वक अमित शाह जी उसकी तरफ मुस्कुरा के उससे बात कर रहे हैं हंसते हुए। वो व्यक्ति मुस्कुराकर बहुत ही प्यार वाले माहौल में उनके साथ चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। ये देश के गृहमंत्री अमित शाह जी और ये दीप सिद्धू नाम का शख्स जो विभाजनकारी सोच रखता है और जो कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था। आपको बता दें, राघव चड्ढा ने आगे कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार ये कोशिश कर रही है कि मुद्दा भटक जाए। दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, जिन्होंने देश का अपमान किया उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। हमारा सवाल है कि दीप सिद्धू को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। आदेश गुप्ता और पंजाब के सीएम कैप्टन जो आरोप लगा रहे हैं वह झूठे हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।